सभी माननीय सदस्यों का, जिन्होंने पिछला वर्ष जो सदन की बैठक रही और पूरे वर्ष जो निगम का कार्यकाल रहा उसमें बहुत अच्छा सहयोग किया और सदन की गरिमा बनी रही इस बात के लिए भी, और सदन की कार्यवाही और पूरे वर्ष जो निगम का कार्यकाल रहा उसके लिए विशेष तौर से मैं अपने प्रतिपक्ष की बड़ी बहन आदरणीय वर्याम कौर जी का और उनकी टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत उनका धन्यवाद भी करता हूँ। और इस दौरान अगर मेरे से व्यक्तिगत कोई चूक हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, और ऐसी उम्मीद भी करता हूँ कि आज के चुनाव के बाद नए महापौर अपना आसन ग्रहण करेंगे और पूरे वर्ष का कार्यकाल रहेगा। जिस प्रकार पूर्व पिछले वर्ष में हम सब ने मिलकर के अपनी पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कार्य को अच्छी तरह से किया है, सदन की गरिमा का ध्यान में रखते हुए सदन सुचारू रूप से चला है, आगे भी मैं आशा करता हूँ ऐसे ही हमारा सदन भी चलेगा और नगर निगम में हम जनता के हित के कार्य कर पाएंगे। आज की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, माननीय सांसद जी आदरणीय महेश गिरी जी हमारे बीच में है, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ आज की विशेष बैठक में वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। मीडिया के बंधु भी उपस्थित हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज चुनावी कार्यवाही प्रारंभ करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने सत्तापक्ष की नेता आदरणीय वर्याम कौर जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर ऐसा संभव है कि चुनाव ना हो और आपको ऐसा लगता है अगर ये बात संभव है राज जी का नामांकन अगर वापस हो सकता है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर ये बात संभव है तो अच्छा है, नहीं तो हम इस कार्यवाही अभी सत्ता नहीं है। नौ महीने के अंदर आओ तो वेलकम।